स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर समोसा, जो अब दिवाली आ रही है जैसे कि, तो इसमें मीठा खाकर सब पक जाते हैं, इसीलिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलो स्टार्ट करते हैं पनीर समोसा। इसमें हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्ची और पनीर, और आप स्वीट कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक चम्मच ऑयल, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को बस हल्का सा क्रंची ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तो क्रंच रहना चाहिए। अब हम शिमला मिर्ची डालेंगे, दो मिनट इसको भी सॉटे करेंगे। अब इसमें हम पनीर डालेंगे, इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, ये रेड चिल्ली पाउडर है, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो आप वो भी डाल सकते हैं। ये ब्लैक पर डाली है हमने, ये चिकन मसाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, तो ये हमारा ऑर्गेनो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हम सारा धीमी आंच पर ही पकाएंगे। देखो हमारा मसाला तैयार हो गया है, एक कांच का बाउल लेंगे, इसमें हम ये जो मसाला बनाया है इसमें डालकर ठंडा होने के लिए रखेंगे। एक चम्मच मैदा और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैदे की गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मैश कर लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा ये तैयार हो गया है, ये हमारा समोसे की पट्टी पर लगाने के काम आएगा। ये समोसे की पट्टी है, ये मैंने पहले से बना कर रखी थी, अगर आपको घर पे नहीं बनानी तो आप मार्केट से भी लाकर बना सकते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाती है आजकल। तो ये देखिए एक फोल्ड, दो फोल्ड, तो ये तीन फोल्ड किए हैं हमने, बहुत ही इजी है, इसको कोई भी बना सकता है बड़े आराम से। घर में जैसे किसी का बर्थडे है, कोई पार्टी है, वैसे भी आप इसको बनाकर ऐसे फीलिंग वगैरह करके आप तो फ्रिज में रख सकते हैं, उसमें फ्रोजन में, तो जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसको निकाल कर वक्त फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इसको बना लिया है, ये देखिए हमारा, इसी तरह हम और बनाएंगे। ये देखिए एक पट्टी, इसको एक फोल्ड किया, फिर से दूसरा फोल्ड, फोल्ड को बहुत ध्यान से करना है, कॉर्नर से कॉर्नर अच्छे से बंद होना चाहिए जिससे कि मसाला हमारा बाहर ना निकले। अब हमारा ये देखिए कोन बन गया है, इसमें आप इसमें चीज़ पहले चीज़ डालकर फिर पनीर, ये पनीर और ऊपर से फिर चीज़ डालकर बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये, उनको बच्चों को पिज़्ज़ा समोसा की तरह टेस्ट आएगा इसका अगर हम चीज़ डाल देंगे। ये खाने में भी हेल्दी है, एक हाई प्रोटीन हो जाता है, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके साथ और भी रेसिपीज अपनी ही शेयर करेंगे आपके साथ।
देखिए ये जो समोसे डाले हैं, ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, मीडियम सेक के गैस का, और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, मीडियम ऑयल गर्म जब हो टाइम में ये समोसे डालकर तलने हैं ताकि ये क्रिस्पी रहे। तो आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हैं, दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छे। ये देखिए हमारे समोसे तैयार हैं, फीलिंग भी अच्छे से है, कहीं से भी खा ली। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या। धन्यवाद।